पीथमपुर शहर कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेने के लिए तहसीलदार कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जायसवाल ने राज्य एवं केंद्र सरकार को गरीब मजदूर विरोधी बताया, जिसमें समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और पार्षद उपस्थित रहे। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि वापस लो। गरीबों पर अत्याचार, नहीं चलेगा हिंदुस्तान। गरीबों पर अत्याचार, नहीं चलेगा। गरीबों पर अत्याचार, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रपति महोदय के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मुख्य मुद्दा जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि बेहताशा बढ़ाई जा रही है, ये देश में और देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा शर्म का विषय है। आज देश किस आपातकाल और किस महामारी से गुजर रहा है, जहां लोगों को राहत देना चाहिए वहां पर उनके जख्मों को और गहरा किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। ऐसी सरकार को राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है, तुरंत बर्खास्त करें, क्योंकि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबी नहीं मिटाएगी, ये गरीबों को मिटाएगी। नोटबंदी, कुछ लोग नोटबंदी में मर गए, कुछ जीएसटी में मर गए, कुछ कोरोना में मर गए और कुछ बचे कुचे इस महंगाई में मर जाएंगे। मैं ऐसी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं और यदि अगर शीघ्र अतिशीघ्र इन पेट्रोल डीजल के दामों पर मूल्य वृद्धि इन्होंने नहीं रोकी और कम नहीं की, तो हम माननीय कमलनाथ जी के आदेशानुसार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बड़े से बड़े आंदोलन को तैयार है और ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारे सतत आंदोलन जारी रहेंगे। आपका नाम है पिंटू जायसवाल, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।